हेलो स्टूडेंट, आप लोगों ने एक्टिविटी फोर कर लिया होगा। फोर्स 1, 2 और 3 क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे एक्टिविटी 5। क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीप्लाई 819 बाय 208। बाय मींस कि मल्टीप्लाई करना है आपने इस नंबर्स को। लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर यस। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई 819 बाय 208। तो आपने 819 ऊपर लिखना है, 208 नीचे लिखना है। राइट वन डिजिट इन वन बॉक्स। आप देखो नीचे तीन टेबल आ गए ना, थ्री टेबल, एक टू आ गया, जीरो आ गया, एट आ गया। पहले एट का टेबल तीनों के साथ पढ़ेंगे, फिर जीरो का तीनों के साथ पढ़ेंगे, फिर टू का तीनों के साथ पढ़ेंगे। ओके, जैसे आप हम एट का पढ़ेंगे पहले। 8 9 70 2, 7 को यहाँ कैरी करेंगे, 2 आपका नीचे आ जाएगा। ओके, 8 1 8 8 + 7 15 15 आ गया ना, ये 1 आगे कैरी हो जाएगा और ये 5 आपका इधर। 8 8 = 64 64 + 1 65। ओके, जब मैंने बोला था ना दूसरे नंबर का टेबल पढ़ते तो हम पहले नीचे यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं, हमने ऐसे लगाया। अब हम जीरो का टेबल पढ़ेंगे तीनों के साथ, ये ऐड हो गए ना, इसको हम ऐसे कट कर देंगे। 0 9 0 0, क्योंकि जीरो के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो नंबर वो जीरो बन जाता है। 0 1 0 0 0 8 0 0। ओके, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो तीनों क्या बन जाएंगे, जीरो। ठीक है, जब हम थर्ड नंबर का टेबल पढ़ते हैं ना तो ये क्रॉस ना 2 हो जाते हैं, 1 1 2, ऐसे 2 क्रॉस हो जाएंगे। ऐसे जब और भी नंबर बढ़ते ना, क्रॉस बढ़ते जाते हैं आपके। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 9 18 18 आया ना, 1 कैरी, 8 यहां पर, 2 1 2 2 + 1 3, फिर 2 8 16 आगे कुछ नहीं, कैरी नहीं होगा तो सीधा यहां पर क्या आ जाएगा, 2 8 16। तीनों को क्या कर देना है, प्लस, तीनों को प्लस कर देंगे, 2 का 2 5 का 5 5 + 8 13 3 1, ये कैरी यहां करना है जहां पर प्लस करना है। 1 + 6 7 7 + 3 10 0 इधर, 1 इस 6 के ऊपर कैरी, 1 + 6 7 1, ये आपका आंसर। यस, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करने लगी हूँ, दोबारा से देख लो अच्छी तरह से, जिसको नहीं समझ आया। 8 9 = 72, 7 कैरी, 2 इधर, 8 1 8 8 + 7 15, 1 आगे कैरी, 5 इधर, 8 8 = 64 64 + 1 65। फिर मैंने ये कट कर दिया क्योंकि ऐड कर दिए थे हमने फर्स्ट टेबल में, जीरो से पढ़ा टेबल, क्रॉस लगाया पहले दूसरे नंबर का टेबल पढ़ते टाइम। अब जीरो से पढ़ेंगे, 0 9 0 0 1 0 0 8 0 0, और थर्ड नंबर का टेबल पढ़ते हैं तो 2 क्रॉस आ जाते हैं इस तरफ, 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 9 = 18 8 इधर, 1 कैरी, 2 1 = 2 2 + 1 3, 2 8 = 16, तीनों को आपने क्या कर देना, प्लस, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब देखो आप ई पार्ट करेंगे, यहाँ भी देखो ऊपर कितने डिजिट आ गए, 4, पहले वाले में 3 थे ऊपर, अब नीचे ऊपर 4 आ गए, नीचे 3 ही टेबल है। ठीक है, अब पहले हम 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 का टेबल पढ़ोगे चारों के साथ, 7 का पढ़ोगे, फिर 2 का पढ़ोगे, 4 4 = 16, 1 कैरी, 1 आगे कैरी हो जाएगा, 6 इधर, 4 2 = 8 8 + 1 9, 4 2 = 8, 4 3 = 12। ओके, अब दूसरा टेबल पढ़ना है तो यहाँ क्रॉस लगेगा, ये ऐड कर लेते ना मैं फर्स्ट टेबल में, हम ऐसे लाइन लगा देंगे, 7 4 = 28, 2 आगे कैरी हो जाएगा और 8 यहाँ पर, 7 2 = 14, 14 + 2 = 16, 16 हो गया, 6 नीचे, 1 आगे कैरी, 6 यहाँ पर, फिर 7 2 = 14, 14 + 1 फिर 15 बना, 1 आगे कैरी और ये वाला 5 नीचे, 7 3 = 21, 21 + 1 = 22, ये पूरे यहाँ पर लिख दें क्योंकि आगे नंबर नहीं, हम कैरी नहीं करेंगे। ठीक है,
और जब थर्ड नंबर का टेबल पढ़ते हो तो कितने क्रॉस पड़ जाते हैं? टू। ठीक है, आप टू का टेबल पढ़ेंगे चारों के साथ, ये हमने ऐड कर लिए थे ना, इसको ऐसे लाइन लगा दूंगी। टू फोर जा एट, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स। अब हमने तीनों को क्या कर देना है, ऐड, सिक्स का सिक्स, 9 + 8 = 17, 7 इधर 1 यहां पर कैरी, 1 + 8 = 9, 9 + 6 = 15, 15 + 8 = 23, 3 इधर 2 कैरी, 2 + 2 = 4, 4 + 5 = 9, 9 + 4 = 13, 3 इधर 1 कैरी। ओके, 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, 2 + 6 = 8। ये आपका आंसर, ये वाला पार्ट मैंने ई किया है, क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट का ए और ई पार्ट किया है। इसी तरह बुक का क्वेश्चन नंबर टू देखो, ये भी वही है प्रोडक्ट में कि मल्टीप्लाई, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, मींस होता है मल्टीप्लाई, बस फर्क इतना यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, सम वैसे ही करने हैं जैसे फर्स्ट वाला किया था। तो मैंने इसका वन पार्ट किया, लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द प्रोडक्ट, ये मैंने लिखा 1732 × 48, फर्क इतना, वहां पर बाय आ जाता था, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, इसको ऊपर लिखेंगे, 48 को नीचे, ये मैंने किया है। ये देखो 8 × 2 = 16, 6 इधर 1 कैरी, 8 × 3 = 24, 24 + 1 = 25, 5 इधर 2 कैरी, 8 × 7 = 56, 56 + 2 = 58, 8 इधर 5 कैरी, 8 × 1 = 8, 8 + 5 = 13, ये 13 आ गए। फर्स्ट टेबल का ये था, मैंने कट कर दिया क्योंकि ये मैंने ऐड कर दिए थे। अब दूसरा टेबल पढ़ते टाइम ये क्रॉस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 1 आगे कैरी, क्योंकि 3 का पढ़ रहे हैं ना टेबल, 4 × 3 = 12, 2 इधर 1 आगे कैरी करते हैं, 4 × 7 = 28, 28 + 1 = 29, 9 इधर 2 आगे कैरी, 4 × 1 = 4, 4 + 2 = 6। तो जब जिसके साथ टेबल पढ़ते हैं ना, जैसे 4 × 3 = 12 पढ़ा हमने, 4 × 2 = 8 पढ़ा, 4 × 3 = 12 पढ़ा, 2, तो वो आगे कैरी करते हैं, जिसके साथ हम टेबल पढ़ते हैं उसका कैरी आगे जाता है। फिर दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को बस ये 6, 5 + 8 = 13, 3 इधर 1 कैरी, 1 + 8 = 9, 9 + 2 = 11, 1 इधर 1 कैरी, 1 + 3 = 4, 4 + 9 = 13, 3 इधर 1 कैरी, 1 + 1 = 2, 2 + 6 = 8। ये आपका आंसर। डू योर वर्क नीट एंड क्लीन, ऐसे नोटबुक पर करोगे, नोटबुक देखो, ऐसे लिखोगे डेट, डे, क्लास वर्ड, एक्टिविटी, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर वन मल्टीप्लाई, ए पार्ट, तो आगे से आपने 3 बॉक्स छोड़ देने, ऐसे 1 2 3, फिर सम लिखना है, क्योंकि ये सम इधर को जाएंगे, इसलिए जितने टेबल होते हैं ना नीचे उतने ही आगे से बॉक्स छोड़ा करो। ऐसे ये हो गया, जैसे ये हो गया एक सम, ये हो गया, ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर टू के हो गए, ये सम हो गया, ये हो गया, ठीक है। और करोगे कितने कितने आप ना, इसमें से कोई भी 3 पार्ट कर लो, 2 मैंने करवा दिए, डू एनी 3 योरसेल्फ, और इसमें से कोई भी 2 पार्ट कर लो, ओके, 3 डिजिट वाला, 1 3 टेबल वाला कर लो, 1 87 टू टेबल्स वाला कर लेना, डू योर वर्क नीट एंड क्लीन, ओके।